आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने AICC में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसी की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, CBI को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, ना अब झुकेंगे।